तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऐसे करके इक्वेशन दी जाएगी व्हाट मास ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड बाय यूजिंग 200 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अब जरा आराम से समझिए यहां एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन आएगी कन्फ्यूजन क्या आएगी कन्फ्यूजन आएगी ऐसी सिमिलर तरह की जो इक्वेशन है और सिमिलर तरह का जो क्वेश्चन है वो आपको कराया गया है लास्ट लेक्चर में मैं आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि कंफ्यूजन क्या आती है तो थोड़ा डिटेल में बताऊंगा जैसे ये टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें भी इक्वेशन दी जाएगी बट इसमें क्या लिखा रहेगा इथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द केमिकल इक्वेशन इसमें लिए जाएंगे मिलीलीटर जब मिलीलीटर लिए जाएंगे और सामने गैसेस होंगी तो गे लॉ ऑफ वॉल्यूम वाला जो कल हमने किया था वो लगेगा रिपीट करूं इक्वेशन जो स्टॉक्यूमेट्री में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं दोनों में इक्वेशन दी जाएंगी एक तरह का क्वेश्चन हमने कल किया था जिसमें गे लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स का प्रिंसिपल लगा था उसमें क्या देखना है उसमें जितने भी रिएक्टेंट्स और जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे वो सारे गैसेस होंगे और जो बात चल रही होगी वो मिलीलीटर में होगी अगर मिलीलीटर में बात चल रही है और गैसेस में काम कर रहा है तो इज अ वेरी मतलब डिस्टिंग पॉसिबिलिटी कि गेल उजैक्स लॉ का क्वेश्चन है जो हमने कल किया था दूसरी तरह का जो क्वेश्चन है जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है इसमें गैसेज हैं मिली की बात चल रही है तो ये गेल उजैक्स वाला फंडा लगेगा ये बात समझ आएगी बट ये जो क्वेश्चन है जिसमें गैसेस नहीं है ग्राम्स की बात चल रही है सॉलिड्स है इसमें गेल उजैक्स लॉ नहीं लगेगा इसमें मोल कंसेप्ट लगेगा कैसे लगेगा वो मैं अभी समझाता हूँ बट ये समझ आ गया कि ये दो तरह के क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है अगर गैसेस नहीं है और बात चल रही है ग्राम्स में तो मोल कंसेप्ट है उसमें गेल उजैक्स लॉ नहीं लगेगा यहाँ शांति ये बात भी समझ आ गई तो 90 95 परसेंट हमारा काम हो चुका है अब देखिए क्वेश्चन देखिए बोल रहे कि सर कॉपर सल्फेट को हमने रिएक्ट कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और एक प्रेसिपिटेट बन गया कॉपर हाइड्रोक्साइड का बताइए कितना प्रेसिपिटेट बनेगा भाई यहाँ तक जो बोल बच्चन हुआ वो समझ आ गया अब एक बात याद रखिए ये जो टू है ये जो वन है ये जो वन है ये जो वन है ये बेसिकली मोल रेशोज है कौन सी रेशोज है याद है कोई डाउट है पक्का मतलब तू दो मोल एनएओएच लेगा एक मोल कॉपर सल्फेट लेगा तो एक मोल सोडियम सल्फेट और एक मोल कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा ये बात दिमाग में घुस गई बढ़िया जान तू तो मेरा वेट कर रहा तू तो मेरा वेट कर रहा यहां तक ठीक है ओके फिर से क्वेश्चन देखिए वट कॉपर हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड बाई टू हंड्रेड ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये आपने कितनी ली है दो सौ ग्राम भाई स्टोक्योमेट्री में यूजली जितना आपने सैंपल लिया है ग्राम्स में उसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि आपको उस ग्रामेज का क्या बनाना पड़ेगा मोल्स बनाना पड़ेगा क्योंकि स्टोक्योमेट्री सारी चलती है मोल रेशियोज पेक्स न तो ये 200 ग्राम लेके इसके साथ लड़ाई पे नहीं जा सकते आप 200 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपको पहले मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा यहां तक मेरे साथ है अब काफी लंबा रास्ता हम ट्रेवल कर चुके हैं 200 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ एन एच वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एच ये बात मेरे को डाउट है जी बताइए हाँ हाँ जाइए जाइए या तो कोई डाउट है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपने वो सिंपल इंटरेस्ट देखिए उसके लेक्चर देखिए उसके क्वेश्चंस कीजिए फिर आपके साथ डिस्कशन की जाएगी हर बार ही डिस्कशन की जाएगी तो जी बताइए चालीस ग्राम पर मोल से आपने डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पांच निकल गए यहां तो कोई डाउट है तो दो ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड से पांच मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं इसमें कोई डाउट है भाई ये तरह सैंपल है ये तेरा मोलर मास है ये तेरे नंबर ऑफ मोल्स है अब जो तुझे हेल्प करेंगे जिनके साथ तू तो लड़ाई पे जा सकता है वो इनके साथ लड़ाई पे जा सकता है मोल्स लेके जा सकता है यहां तक कोई डाउट अब देख दो मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से दो मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो एक मोल कॉपर हाइड्रोक्साइड बना सकता है? भाई दो मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो एक मोल कॉपर हाइड्रोक्साइड बना सकता है तो पांच मोल से कितने बना सकता है पांच बटा तो नहीं समझ में आया तो तेरे जो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा वो कितना बनेगा पांच बटा दो मोल कॉपर हाइड्रोक्साइड नहीं समझ में आया यहां तक डाउट है अब ये पांच बटा दो मोल कॉपर हाइड्रोक्साइड में कितने ग्राम कॉपर हाइड्रोक्साइड होगा वो मल्टीप्लाई कर दे ग्राम पर मोल मोलर मास ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड भाई समझ आ रहा है क्या नींद आती जा रही है फिर से रिपीट कर दूं टू प्लस ओ टू इज टू एच टू ओ इक्वेशन होनी चाहिए ठीक है ये बात समझ आएगी ये तो केमिस्ट्री की सबसे सिंपल इक्वेशन है ना कोई डाउट है इसका मतलब क्या है? दो मोल हाइड्रोजन गैस एक मोल ऑक्सीजन गैस दो मोल वाटर, यह समझ आ गया तो भाई जो मोल रेशो है वो टू इज टू वन इज टू टू ये मोल रेशो है अब मैं अगर देर से पूछूं कि 16 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम वाटर बना सकती है तो तू क्या करेगा 16 ग्राम हाइड्रोजन के पहले तू मोल्स देखेगा डाउट है भाई 16 ग्राम हाइड्रोजन में तू पहले देखना पड़ेगा कि इसमें मोल्स कितना है वो जितने भी मोल्स होंगे तो दो मोल हाइड्रोजन से जितने मोल हाइड्रोजन है उतने मोल वॉटर बन जाता है तो जितने 16 ग्राम हाइड्रोजन में जितने मोल हाइड्रोजन होगा उतने मोल वॉटर बन जाएगा ये समझ आ गया? अब जितने मोल वॉटर बनेगा उसको तू ग्राम में कन्वर्ट कर लेगा तेरा आंसर आ जाएगा भाई डाउट है तो अब आपने घर पे जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं इक्वेशन दी गई है जिसमें सॉलिड है ग्रामेज की बात चल रही है वो क्वेश्चन आपने करके लाने ठीक बाकी